ये आज आप ऐसा समझ लो कि पूरा प्रिंटिंग का कारखाना है, मतलब वाटर पेपर के बाद में कलम आते हैं। देखो ये पहला पेपर है 28 जीएसएम, नहीं नहीं 28 जीएसएम का पेपर है, हल्का सा पेपर आता है अपने डिक्शनरी वाला, फिर उसके ऊपर ये बाद ये वाटर पेपर ये करवाते हैं। यस ठीक है, ये करवाने के बाद में इसके ऊपर ये प्लास्टिक वाला पेपर रखते है, एक पेपर रखते है, सिल्वर वाला पेपर आता है, फिर इसको गर्म करके उस पर चिपका देते है, फिर अब क्या हुआ चार पेपर क्या हो गए उसको कट कर लेते हैं, फिर बाद में प्रेस कर लेते हैं, प्रेस करते चिपका दे पूरा, फिर ये होने के बाद में फिर प्रिंट करते लेमिनेशन होता है ऐसा, दो प्लास्टिक अंदर लेमिनेशन में, और उसके बाद में ये हरा वाला लगता है जो आप देखते हैं ना हरा वाला, ये वाला तो वो दिखता है, उसको फिर उसी पट्टी से उस पर आरबीआई वगैरह लिखा है, आपको लिखेगा आरबीआई तो नहीं आरबीआई लिखा है, मतलब ये वाला इधर से निकलता है, ये पेपर है, ये पेपर है। सबसे आखिर में ये ग्रीन वाला यहाँ पे लगा लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं, इसे आप अगर देखोगे ना इसके ऊपर ये लिखा हुआ है आरबीआई, अगर इसको देखना है तो आपको लिखेगा, इसके हम पाकिस्तान में छपते हैं वैसे ही छाप रहे थे। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2020 में दुबई से आए हुए करीब करीब 24 लाख रुपए जो 2000 डिनोमिनेशन के सीज किए थे, उसके बाद में 3 मार्च को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने भी 1,28,600 रुपए जब्त किए थे अलग अलग डिनोमिनेशन के। इसी कार्रवाई के तहत यूनिट 9 क्राइम ब्रांच मुंबई यहाँ के पीसी अमित महागड़े, इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके तहत वीरेंद्र साई रोड मुंबई यहाँ पे दो व्यक्ति आने वाले हैं, उनके पास इस तरह के फर्जी जाली इंडियन करेंसी नोट है जो यहाँ पे बेचने के लिए आ रहे, उसके इन्फॉर्मेशन के चलते गुप्त सूचना के चलते वहाँ पे पीआई सीनियर पीआई महेश देसाई उनकी टीम ने रेड की कार्रवाई की, जिसमें दो आरोपी उनके गाड़ी के साथ में उनको जब पूछताछ की तो पता चला उनके पास 500 रुपये जिसका मूल्य है इस तरह के 590 संख्या के टोटल मिला के 2,95,000 रुपये उनके पास थे जो जाली थे, उनको चेक करने के बाद में पता चला कि ओरिजिनल नोट्स नहीं है। इसके बाद में दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेने के बाद उन पर FIR दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह आरोपी सिर्फ न कि नोट उनके साथ थे न बेचने के लिए आए थे तो ये छाप भी रहे थे, इसके तहत वहाँ पे जाके छापा कार्रवाई की, उसमें से उनके घर से जो यहाँ पे रहते थे वहाँ से हमें एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, टैप, GSM पेपर, RBI लिखे हुए, तांबा के अलग अलग पट्टियाँ, वाटरमार्क प्रिंटर प्रिंट किए हुए पेपर्स और अलग अलग साहित्य मिले जिसको जब्त किया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन में हमें यह भी पता चला है कि इनके साथ में एक और भी आरोपी है जो 2018 में केरल राज्य में इस तरह से एक FICN की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें उसको पकड़ा गया था, उसमें वो जेल में था और बाहर आने के बाद में इनके साथ मिलके दोनों के साथ मिलके यह आरोपी भी इस नोट छापने के इसमें लिप्त है। इस तरह से दोनों आरोपी जो एक जिसमें का एक आरोपी है इडुक्की राज्य केरल का है तो दूसरा आरोपी तिरुवनंतपुरम केरल राज्य का है, दोनों को माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद में तो आगे के तब इन्वेस्टिगेशन के लिए 11 तारीख तक हमें PC मंजूर किया गया है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं।